हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवेंथ एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मुझे लगता है कि इंडिया के हर शहर में आधे आधा टूरिस्ट स्पॉट तो मंदिर ही होते हैं। ज्यादातर ये मंदिर प्राचीन होते हैं और इनके आर्किटेक्चर अद्भुत होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इनके आर्किटेक्चर के पीछे की साइंस क्या है? क्यों सारे प्रसिद्ध मंदिर कुछ सिमिलर से लगते हैं? आज मैं आपको हिंदू मंदिरों के कुछ ऐसे ही फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में पुराने मंदिर मेजरली दो टाइप के हैं, नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि नगर स्टाइल मंदिर ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं और द्रविड़ स्टाइल मंदिर साउथ इंडिया। ये एक नगर स्टाइल मंदिर की पिक्चर है। इसमें ब्लू से हाईलाइटेड जगह को हम गर्भगृह कहते हैं, जहाँ भगवान देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, गर्भ यानी रूम या सेंटर और गृह माने घर। गर्भगृह जाकर एक बिना खिड़की का छोटा सा कमरा होता है। कमरे के सेंटर में मूर्ति रखी जाती है और एक ही दरवाजा होता है जो कि ईस्ट की तरफ होता है। दर्शन इस दरवाजे के बाहर से किए जाते हैं। गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा स्ट्रक्चर होता है जो माउंट मेरू को दर्शाता है। इसे नगर स्टाइल में शिखर और द्रविड़ स्टाइल में विमान कहा जाता है। नगर स्टाइल में शिखर थोड़ा सा कर्व्ड होता है और द्रविड़ स्टाइल में विमान पिरामिड शेप का होता है जो कि कई मंजिलों में बटा होता है। शिखर के ऊपर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे आमलक कहा जाता है। आमलक के सिग्निफिकेंस को अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने तरीकों से बताया है। जैसे कि कुछ स्कॉलर्स ने इसे एक लोटस माना है जिस पर भगवान विराजमान है, वहीं दूसरे स्कॉलर्स ने इसे सूर्य का प्रतीक माना है और बाकी स्कॉलर्स इसे स्वर्ग की तरफ का दरवाजा कहते हैं। आमलक के ऊपर एक कलश जैसा स्ट्रक्चर भी होता है। कलश को इंग्लिश में हम अर्न भी कहते हैं। गर्भगृह के चारों ओर एक मार्ग बना होता है जिसे कहते हैं प्रदक्षिणा मार्ग। इसे हम सिंपली परिक्रमा भी कहते हैं। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज और ऑड नंबर में लगाई जाती है, जैसे 1, 3, 5, 7। अब मैं बात करता हूं उस जगह की जहां खड़े होकर आप ज्यादातर गर्भगृह के दरवाजे से दर्शन करते हैं और कई बार यहाँ पंडित जी भी बैठते हैं। इस जगह को कहते हैं अंतराल यानी इंटरवल। ये गर्भगृह और मंडप के बीच की जगह या इंटरवल होता है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। अब आता है मंडप। कुछ सोर्सेस के हिसाब से पुराने समय में मंदिरों में इस स्थान पर शादी की जाती थी। मंडप ज्यादातर मंदिरों में या तो पिलर से भरा एक हॉल होता है या फिर बड़ा खाली हॉल होता है, जहां ज्यादातर लोग दर्शन करने के बाद पूजा प्रार्थना चालीसा पढ़ने या जाप करने के लिए बैठते हैं। मंदिरों में एक से ज्यादा मंडप भी हो सकते हैं। मंडप कई अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, जैसे कि आस्था मंडप, असेंबली हॉल, कल्याण मंडप जहां देवी देवताओं की शादी कराई जाती है, नंदी मंडप जहां नंदी जी विराजमान होते हैं, ज्यादातर शिव मंदिरों में पाया जाता है। रंग मंडप, ये एक बड़ा मंडप होता है जो कि ओपन या क्लोज स्टेज की तरह बना होता है, जो कि डांस ड्रामा और म्यूजिक के लिए यूज किया जाता था। पुराने समय में देवदासियां इस मंडप में भगवान की आराधना नृत्य के रूप में करती थी। अब मैं बात करता हूं मंदिर के एक और पार्ट की, जिसे अर्ध मंडप कहा जाता है। जैसे अंतराल मंडप और गर्भगृह को जोड़ता है, वैसे ही ये एक एक्स्ट्रा मंडप है जो टेंपल की मेन एंट्री को मंडप से जोड़ता है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। द्रविड़ स्टाइल के कुछ मंदिरों में आप एक खास चीज और पाएंगे जिसे कहते हैं गोपुरम। ये मंदिर के बड़े भव्य दरवाजे होते हैं जिनमें की मंजिलें होती हैं, और कई बड़े मंदिरों में ये विमान से भी ऊंचे होते हैं, जैसे कि मदुरई टेम्पल। ये सारे आर्किटेक्चरल फीचर्स आपको ज्यादातर मंदिरों में मिल जाएंगे, मगर जरूरी नहीं है कि सभी मिले या सभी इसी तरह से मिले। जैसे कि एकलिंग जी मंदिर में चार दरवाजे हैं गर्भगृह के, और सूर्य मंदिर कोणार्क में ओपन अंतराल है। अब मैं बात करता हूं मंदिर के फ्लोर प्लान की। ये थोड़ा टेक्निकल जरूर है समझने में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करता हूं आपको सरल तरीके से समझाने। ज्यादातर मंदिरों का फ्लोर प्लान एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन फॉलो करता है जिसे कहते हैं वास्तु पुरुषा मंडला। मंडल माने सर्कल, पुरुषा माने यूनिवर्सल एसेंस ब्रह्मांड का सार, और वास्तु यानी आवास या ड्वेलिंग। वास्तु पुरुषा मंडला एक यंत्र है जिस पर मंदिर का फ्लोर प्लान आधारित होता है। इस प्लान की सबसे बेसिक यूनिट को कहा जाता है पद, जिसका आकार चौकोर होता है यानी स्क्वायर, और इस स्क्वायर का साइज डिफाइंड नहीं है। मतलब एक साधारण मंदिर और एक विशाल मंदिर दोनों ही 16 पद के बनाए जा सकते हैं, और दोनों के पद का साइज अलग अलग है। ज्यादातर हिंदू मंदिर
एक चार नौ सोलह पच्चीस यानी कि स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर के पद के डिजाइन पर बने हैं। हिंदू धर्म में सबसे छोटा मंदिर होता है एक आसन, जहां बैठकर आप ध्यान लगा सकते हो। इसे एक पद का मंदिर कहा जाता है। नौ पद का डिजाइन बहुत छोटे मंदिरों के लिए बनाया जाता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन है 64 पद का, जिसे मंडुका मंडल भी कहा जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। इसमें चारों साइड्स को चारों दिशाओं से अलाइन किया जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बीच में नीले रंग से हाईलाइटेड पार्ट को हम ब्रह्म पद कहते हैं, जो कि चार पद का बना हुआ है। इसके बीच में होता है गर्भगृह और ब्रह्म पद के ठीक ऊपर बनता है शिखर। ब्रह्म पद के चारों तरफ होता है देवी का पद और उसके बाहर मनुष्य पद और उसके बाहर पिशाच पद, जो कि राक्षस और दानवों का पद माना जाता है। हम मनुष्य पद में परिक्रमा लगाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि मानव परिक्रमा लगाते समय अच्छाई और बुराई के बीच चल रहा है और उसे अपना ध्यान अच्छाई की ओर यानी ब्रह्म पद की ओर केंद्रित करना है। अब मैं बात करता हूँ शिखर की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मंदिर डिजाइन में मंडल यानी सर्कल और पद यानी स्क्वायर की काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए शिखर तो गोल है लेकिन उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स हैं। ये कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स एक के ऊपर एक स्टैक किए गए हैं और इन्हें अलग अलग एंगल पर रखा गया है। ज्यादातर मंदिरों में स्क्वायर यानी कि पद पैटर्न फॉलो किया गया था, मगर कुछ मंदिरों में इसे ना इस्तेमाल करके रेक्टेंगल ऑफ हार्मोनिक रेशियो, जैसे कि 1:3 या 3:5 का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे मंदिर का एग्जाम्पल है नरेसर मंदिर मध्य प्रदेश, नक्की माता मंदिर जयपुर राजस्थान। इनसे यह पता चलता है कि संस्कृत मैनुअल्स कोई रिजिड सिस्टम नहीं थे, बल्कि गाइडलाइंस थे जो कि साइंस के प्रिंसिपल्स पे बने थे। आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट को तरीके अपनाने की पूरी छूट थी। ये सब आर्किटेक्चरल फीचर्स यहां तक सीमित नहीं है, आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। आई होप आप जब अगली बार मंदिर जाएंगे तो इन सब स्ट्रक्चर्स को नोटिस जरूर करेंगे और नीचे कमेंट में हमें शेयर करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपका होस्ट अक्षय कपूर विदा लेता हूँ। धन्यवाद।